नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत रामेश्वर महादेव मंदिर मालेरामे की साफ सफाई। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी मंदिरों में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत मकर संक्रांति पर्व से मंदिरों में साफ सफाई अभियान शुरू हुई। जानकारी के अनुसार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत मकर संक्रांति पर्व से मंदिरों में साफ सफाई अभियान का आगाज पिंडवाड़ा के समीप रामेश्वर मंदिर मालेरा में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रमेश रावल मालेरा के नेतृत्व में शुरू किया गया। मंदिर में दिन भर ट्रस्ट सदस्यों और गांव के आम जनमानस द्वारा बड़ी संख्या में भाग लेकर इस दरमियान मंदिर के प्रांगण, पार्किंग हॉल, झाड़ियों में कटिंग, पेयजल टंकी की सफाई, यज्ञशाला, भोजनशाला इत्यादि जगहों पर सफाई की गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश रावल मालेरा ने बताया कि श्री रामलला प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे पूर्व मकर संक्रांति पर्व से 21 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ तीर्थ अभियान का आगाज करते हुए इससे मंदिर ट्रस्ट सदस्य के साथ ही आम जनमानस से भाग लेने का आह्वान किया है। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। उस उपलक्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सभी तीर्थ स्थान मंदिर में साफ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें हमारे पास के ही पड़ोस के सभी बहने, हमारे गांव के ये भाई बहने व हमारे ट्रस्ट पिंडवाड़ा के सदस्यगण इस सफाई को हम कंटिन्यू लगातार आगे भी इसकी साफ सफाई करते रहेंगे। ये हम आज आपके सामने और इस पवित्र धाम में हम ये प्रण लेके जाते हैं कि इस मंदिर को साफ सफाई से रखेंगे और हमारे गांव में जितने भी मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर है, उनकी भी साफ सफाई आज कल भी की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, ये सब साफ सफाई करेंगे। जय भारत माता, जय राम लला।